मंगलवार को चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित हरियाणा एमएलए हॉस्टल में पुस्तक मेरी अनुभूति माला का विमोचन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जस्टिस वीएन सिन्हा, सचिव महोदय, अधिकारीगण व कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पुस्तक मेरी अनुभूति के रचयिता पूरन मल सैनी हैं। यह किताब उनके द्वारा समाज में प्रेरक प्रसंग के रूप में लिखी गई है। चलिए आपको दिखाते हैं इस मौके पर अतिथिगण ने क्या संबोधन किया। कि आज ये एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, मेरी अनुभूति माला। अपने पूर्णबल सैनी जी जो हमारे यहाँ विधानसभा में अधिकारी रहे हैं, अभी आजकल उस सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करते करते उन्होंने इस प्रकार की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें बहुत सी जो रोजाना का जीवन है उस पर और जिस प्रकार का पर्यावरण है दूसरी इन सब बातों पर उन्होंने एक कुछ कविताएं उन्होंने लिखी हैं, और उसका एक पुस्तक का रूप उन्होंने दिया है जिसका आज विमोचन था। काफ़ी अच्छी कविताएं हैं, बहुत ही सुंदर कविताएं उन्होंने लिखी हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूं और आज उसका विमोचन हुआ है। मैं सबसे चाहूंगा कि उनको पढ़ें और उनसे लाभ उठाएँ। नहीं देखिए, अभी उन चारों विधायकों ने जिनके खिलाफ हमारे पास अभय सिंह जी ने पिटीशन दायर की हुई है, आज उनकी सुनवाई थी। सुनवाई से पहले उन्होंने अभी हमें इस्तीफा दिया है और मैंने उसको स्वीकार कर लिया। सर, ये बताएं कि जब ये केस चल रहा हो तो ऐसे में टेक्निकली कोई इस्तीफा देता है या लीगैलिटीज में जाएं तो क्या मुड़ा पीछे माना जाएगा? देखिए, इस्तीफा अब कोई भी व्यक्ति किसी टाइम भी देता है, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि कोई आदमी इस्तीफा देना चाहता है तो उसने इस्तीफा दिया है। लेकिन जहाँ तक कानून का मामला है कि अगर उन्होंने दल बदल किया है और वो सिद्ध होता है तो वो अपनी जगह वैसे का वैसा है और उस पर कार्रवाई उसी प्रकार से होगी। केस चलता रहेगा? बिल्कुल, केस वैसे ही चलता रहेगा। आज 3 बजे का हमने टाइम दिया है और 3 बजे हम सुनवाई करेंगे, और अगर ये पाया गया कि उन्होंने दल बदल किया तो उसी प्रकार से निर्णय लिया जाएगा। सर, टेक्निकलिटीज में क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं है तो ऐसे में केस किसे मतलब आपने स्वीकार भी कर लिया? नहीं नहीं, देखिए वो एक जब वो विधायक थे तब वो केस उनके खिलाफ किया गया था, और वो आज भी वैसा का वैसा है। जब वो मेंबर थे तब उन्होंने किया, और अगर उन्होंने उस टाइम कुछ किया तो वो उसका अगर उन्होंने किया है तो वो उसके जिम्मेदार हैं। तो जो भी कानून ने उसके लिए जो नियम बनाए हैं, जो भी नियम हैं, तो उनके अनुसार निर्णय लिया जाएगा, और अगर उन्होंने दल बदल किया तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ उसी प्रकार का फैसला। अंतिम सुनवाई? हाँ, हमने पहले ये कहा था कि आज अंतिम सुनवाई है और आज हम 3 बजे उस पर सुनवाई करेंगे। 3 बजे वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं, हालांकि जो पिटिशनर है उसने अपना पक्ष रख दिया है, उसने सारी बात कह दी है, लेकिन आज भी उनको मौका है, वो अपनी बात कह सकते हैं। और दूसरा पिटिशनर भी अगर कुछ और कहना चाहता है उनकी बात सुनने के बाद तो वो भी कह सकता है, और उसके बाद फैसला दिया जाएगा। मौजूदा स्थिति में सर कितने विधायक इस समय विधानसभा में हैं? 4 विधायकों के? देखिए, अब 79 विधायक अभी हैं और 19 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सभी 18 विधायक इनेलो के हैं और एक कांग्रेस के? नहीं, उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के हैं जो सांसद बन चुके हैं, और एक कांग्रेस के हैं जयतिरदैया जी, और बाकी सभी कांग्रेस के हैं। नहीं, कांग्रेस ना, बाकी सभी उसमें से ज़्यादातर इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, लेकिन उनमें से आज़ाद भी हैं कुछ। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।